इसकी सर डाउन पेमेंट हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, कम से कम डाउन पेमेंट बताओ, क्यों? क्योंकि जो ये इनका बायर है वो यही चाहेगा मेरे पैसे एक बार जेब से कम लगे जी, तो एक बार सर डाउन पेमेंट बताओ। सर इसी चीज को देखते हुए एज ए डीलरशिप हमने एक ऑफर रखा है कि कोई भी कस्टमर आता है तो इस टाइम हम उस कस्टमर को 25,000 की डाउन पेमेंट पर व्हीकल दे रहे हैं। वेलकम बैक टू अनंत श्लोक्स भाई, आज आप आए हुए हैं ऑटो वीर बजाज रोहतक में अपने, तो आज अपने साथ है बजाज मैक्सिमा कार्गो, ये ऑटो है इनकी, ये एक अपनी पेट्रोल सीएनजी में आ जाती है, एक डीजल में आ जाती है, अपने पास है फिलहाल सीएनजी वेरिएंट। तो हिमांशु जी हमारे साथ है, आइए सर, वेलकम सर। कैसे हो सर आप? बिल्कुल बढ़िया सर, आप बताइए। बढ़िया जी बढ़िया। तो सर अपनी ऑटो के बारे में बताइए, क्या कुछ बढ़िया है? वैसे मैं आपको बता देता हूँ, ऑटो आप देखोगे लगभग बजाज की ही चल रही है रोड पे। बिल्कुल सर, ठीक है सर। क्या कुछ इंजन वगैरह कितने सीसी रहते हैं इसमें? सर सबसे पहले तो हम एक मेन चीज़ की बात करें तो ये पहला व्हीकल है बजाज मैक्सिमा जो पेट्रोल प्लस सीएनजी आ रहा है। अच्छा जी। अभी तक मार्केट में या तो सीएनजी अवेलेबल है, हाँ जी, या फिर पेट्रोल पर व्हीकल है। हमारा फर्स्ट व्हीकल बना है जो पेट्रोल प्लस सीएनजी है। अच्छा जी। अगर हम इसकी इंजन की बात करें, हाँ जी, 236 सीसी का इंजन आता है सर इसके अंदर, सिंगल सिलेंडर और 8 एचपी के साथ। ठीक है, 236 जी सर। ठीक है, 236 सीसी का इंजन है, वन सिलेंडर। बिल्कुल सर, 8 एचपी के साथ आता है, ये इसकी पावर रहती है। अच्छा जी। और अगर हम इसकी फ्रंट की बात करें, हाँ जी, तो फ्रंट में सर मेटल बम्पर आता है इसमें। अच्छा जी जी। ये मेटल बम्पर की बात ये रहेगी, आप इसकी सेफ्टी चेक कर सकते हैं भाई, देख लो कितना मतलब कितना स्ट्रॉन्ग। ये देखिए, अगर मैं इसके ऊपर जंप भी करता हूँ तो इसकी सेफ्टी आप खुद चेक कर सकते हैं। अच्छा जी। इसका ये रहता है कि फ्रंट में जो प्लास्टिक का आता था, हाँ जी, फ्रंट से लगने पर वो टूट जाता था। बिल्कुल, जिसका खर्चा आता था कस्टमर को ज़्यादा। अच्छा जी। इसका फ़ायदा ये रहेगा, इस पर डेंट आते हैं तो वो कस्टमर बाहर से रिपेयर करवा सकता है, ये चीज़ है, टूटे नहीं रहे। बिल्कुल सर। ठीक है। फ्रंट में डुअल शॉकर आ जाते हैं सर। अच्छा, डुअल शॉकर में आ जाते हैं अपना जी। सिंगल शॉकर आते थे पहले, सिंगल शॉकर में ये रहता था अगर बाई चांस कहीं भी ऑन रोड कस्टमर का ये टायर फट जाता है या इसमें पंचर होता है तो टायर बबलिंग करता है, क्योंकि ये सिंगल वो है टायर फ्रंट में। ठीक है। इसका डुअल है तो डुअल में ये फायदा रहता है कि ये बबलिंग नहीं करेगा उस टाइम पे कस्टमर। सिंपल जिस तरह बात करें, और ऑटो में एक वो आता है शॉकर, और टायर वगैरह फट जाए और ऑटो में लोड हो तो बबलिंग करती है टायर, ऑटो ऐसे इधर उधर चलती है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और अगर इसमें दो शॉकर हो तो जिस तरह का टायर फट भी जाए तो ऑटो इधर उधर बबलिंग नहीं करेगी, अपनी सीधी चलेगी, कस्टमर इसको आराम से हैंडल कर सकता है। ठीक है जी। और अगर हम इसके ऊपर चले, हाँ जी, तो फ्रंट में यहाँ पर हेलोजीन लैंप आ जाते हैं। ठीक है जी। इसी के ऊपर इंडिकेटर आ जाते हैं। हाँ जी। इनका प्लस पॉइंट ये रहता है सर कि साइड में जो इंडिकेटर आते थे फ्रंटल, जो एक्सीडेंट केसेस में देखा हमने, सबसे पहले इंडिकेटर जाते हैं, ये ऊपर है तो ये पहली बात सेफ्टी पर्पस में ज़्यादा अच्छे हैं। ठीक है। और प्लस ये ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है जी। और फ्रंट में सर अभी PDI इस व्हीकल की नहीं हुई है ठीक से। अच्छा। तो यहाँ पर वाइपर लगता है अंदर वाइब्रेशन मोटर के साथ, वो चीज़ अभी मिसिंग है सर। ठीक है। अभी इस टाइम इसमें वाइपर नहीं लगा हुआ है, मैं और ऑटो बाहर खड़ी है उसकी फोटो अटैच कर दूंगा वाइपर के लिए। बिल्कुल सर। ठीक है जी जी। सर टायर अपने इंची 10 इंची के हैं इसमें, 10 इंची के टायर आ जाते हैं सर, MRF के टायर आ जाते हैं। ठीक है। टायर अपने वारंटी में सर? बिल्कुल सर, 1 साल तक ये टायर आपका वारंटी में रहेगा, कहीं से कट जाए या फुल जाए ये इसकी वारंटी रहेगी सर। ठीक है। ये चीज़ आपकी 1 साल तक रहेगी। ठीक है जी सर। हाँ जी सर, साइड में बात करते हैं आप। सर इससे हम ये देखते हैं कि पीछे ये लोडिंग का व्हीकल है। हाँ जी। तो लोडिंग के व्हीकल में मेन चीज़ रहती है सर डाला साइज। अच्छा। और सेकेंडरी चीज़ रहेगी हमारी चेसी। चेसी। अच्छा। तो पहला प्लस पॉइंट ये मिल जाता है सर, ये सिंगल चेसी है। सिंगल चेसी है अपना, कोई मतलब जॉइंट नहीं है? कोई जॉइंट नहीं। अच्छा है जी। जॉइंट का ये रहता है कि सर जैसे बैक डाले में वजन पड़ता है, हाँ जी, तो बीच से चेसी टूट जाती है। बिल्कुल। ये सिंगल चेसी है तो इसमें कोई जोड़ नहीं है। है। तो चेसी की लाइफ ज्यादा अच्छी रहेगी आपकी। मतलब ये इस ऑटो में प्लस पॉइंट है, जिस तरह अगर आप और मार्केट में बात करें, नाम नहीं लेता मैं, उनमें क्या होता है जॉइंट आता है चेसी में, या तो फिर वो ब्रेक हो जाते हैं या फिर उनमें बैंड आ जाता है ज़्यादा लोड पे, तो सिंगल चेसी का ये प्लस पॉइंट है कि जल्दी से नहीं ब्रेक होते। बिल्कुल सर।
ठीक है जी। और अगर हम इसके साइज की बात करें, हाँ जी, तो इसकी लंबाई हमें मिल जाती है सर 6 फुट 4 इंच की। 6 फुट 4 इंच की जी। और अगर हम चौड़ाई की बात करें तो 4 फुट 9 इंच की इसकी चौड़ाई रहती है सर। ठीक है। और अगर हम इसके पेलोड की बात करें तो 620 पेलोड में ये पास आता है सर। 620 में जी। वैसे अगर थोड़ा वैसे कितना वेट डाल सकते हैं वैसे कस्टमर? ये सर आराम से 1000 kg से 1500 kg तक आराम से ये वेट लोड कर सकता है। वैसे लीगल 620 kg है जी सर। बिल्कुल, जो इसकी पासिंग रहती है वो 620 की रहती है। अच्छा जी। जी सर एक चीज़ और, इसमें ये टायर सीधे हैं जिस तरह औरों में नहीं आते, ये क्या चीज़ है सर? सीधे टायरों का फ़र्क ये रहता है कि इसकी जो ग्रिप है वो कम होगी। अगर हम सेकेंडरी व्हीकल्स की बात करें उसमें ये आता है कि सर ये अंदर की तरफ कर्व रहते हैं, ये टायर थोड़े अंदर ऐसे होते हैं जी। उसका डिसअपॉइंट ये रहता है सर कि उसकी घिसाई ज्यादा होती है टायर की। ठीक है। एक साइड से वो टायर कटने स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल सर। हाँ, पहली चीज उनकी ग्रिप ज्यादा लगती है, सेकेंडरी जब ग्रिप हट जाती है टायर के ऊपर से, हाँ जी, तो वो कटना स्टार्ट हो जाता है। अच्छा जी। ये चीज बजाज ने समझी और उसने जो टायर को सीधा दिया है इस वजह से ये है, इनकी ग्रिप कम यूज होती है रोड पे जी। और ये भाई घिसे भी गा तो प्रॉपर इक्वल घिसेगा, ये नहीं कि आधा टायर घिस रहा है आधा गंजा हो गया आधा वो हो गया। एक बात और सर, इसमें बजाज आपकी क्रॉस कटिंग नहीं करता। अच्छा, वो प्रॉपर आपको MRF के टायर देता है। ठीक है जी। और इनकी वारंटी वही 1 साल की रहती है तीनों अपने टायर की। जी सर बिल्कुल। ठीक है जी। जी बैक में सर बात करें, नीचे अपनी टेल लाइट आ जाती है? जी सर, नीचे अपनी टेल लाइट आ जाती है। इनमें आपको ब्रेक लाइट और इंडिकेटर का ऑप्शन मिलता है। ठीक है। नीचे आपकी इंडिकेटर की इंजन की वो रहती है। ठीक है। जो इसका इंजन है वो डालने के नीचे आता है। अच्छा जी। जी ये इसका बैक वो रहता है सर। बाकी इसमें 2 सेंसर की फिटिंग भी रखी है, ठीक है। अगर कोई पार्किंग सेंसर लगवाना चाहे तो वो ऑप्शन इसमें रहता है। ठीक है, मतलब ये अपने एडिशनल है। जी सर। ठीक है जी। सर ये अपना एयर इनटेक हो गया? जी जी। ठीक है जी। ये रहता है सर, थोड़ा सा आप आगे आइए मैं आपको समझा देता हूँ। ये रहता है सर इंजन के लिए, जो इसका हमने और व्हीकल्स में देखा है उसमें ये होता है कि पीछे स्पेस छोड़ देते हैं उसको। यहाँ पे तो कोई कंप्रेसर होता नहीं उनका, तो पीछे स्पेस छोड़ देते हैं, उस वजह से ये होता है थोड़ी बहुत डस्ट वाटर, उस वजह से इंजन की लाइफ होती है कम। बजाज ने ये चीज यहाँ पे सेट की है, यहाँ पे इसको कोई धूल मट्टी या किसी भी लिक्विड से कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। एयर क्लियर रहता है जिस वजह से इंजन की लाइफ बढ़िया रहती है। ठीक है। और अगर हम इसकी डाले की बात करें तो सर यहाँ पे आपको ये 4 नट दिए हैं, इसको ओपन करके आप इंजन के देख सकते हैं, इंजन का काम यहाँ से होता है। ठीक है, मतलब ये डाला अपना ओपन हो जाएगा 4 नट जी। कस्टमर को वैसे भी कोई परेशानी की जरूरत नहीं है जैक लगा के या इसके अंदर नीचे मतलब लेट के, थोड़ा कस्टमर के इजी होने के लिए, कंफर्ट मोड के लिए। जी सर। ठीक है जी। सर अंदर की बात करते हैं इंटीरियर की। बिल्कुल सर बिल्कुल। इसमें डुअल डोर लॉक दे रखा है सर, ये जो की ऑप्शन है ये आपको दोनों साइड मिल जाता है। ठीक है। और अगर हम अंदर की बात करें तो इसमें मारुति 800 की क्लच प्लेट दी है सर। अच्छा जी। जी मारुति 800 की अपनी क्लच प्लेट। जी जी सर। अगर हम किसी और व्हीकल्स की लेते हैं तो उनमें लोकल प्लेट यूज की जाती है, जिनकी वारंटी देते हैं वो 3000 किलोमीटर की। अच्छा, अपनी कितनी है सर? हम इसकी वारंटी देते हैं सर 35000 किलोमीटर की। भाई साहब कई गुना हो गया ये तो। बिल्कुल सर, 35000 किलोमीटर की क्लच प्लेट की वारंटी। जी सर। ठीक है जी। और अगर हम इसका फ्रंटल वे बात करें तो यहाँ पे वाइब्रेशन मोटर लगती है सर आपकी, उसकी हैप्टिक और फीडबैक बहुत ज्यादा अच्छा है उसमें। ठीक है जी सर। और इसके अंदर ब्रेक ऑयल आपको यहीं पे मिल जाता है, ये आपका ब्रेक पैडल रहेगा सर। ठीक है। नीचे ब्रेक पैडल और उसके साथ में ही ब्रेक ऑयल है। जी सर। ठीक है। एक्स साइड की इसके अंदर बैटरी रहेगी। अच्छा जी। जी। और बाकी इसका जो क्लच वे है, गियर ऑप्शंस है, वो अन्य व्हीकल्स के मुताबिक काफ़ी सॉफ्ट रहेंगे। अच्छा जी। जी सर, ये अपना 4 गियर और 1 रिवर्स। इसमें सर फ्रंटल आपके 4 रहते हैं और 1 रिवर्स रहता है। अच्छा जी। जी तो ये आपके 5 गियरों में होगी सर। ठीक है। और अपना सिंगल सीट पास होती है? सिंगल सीट पास होती है सर। ठीक है। और इसमें एक चीज़ और कस्टमर को देखते रह गया है कि इसमें हमने बैक रूफ भी दिया है, ये जो शीशा आपका ये हमने इस साइड भी दिया है। मतलब पीछे माल वगैरह कई बार क्या होता है कि बाहर डस्ट होती है, रेन आती है, तो ये चीज तो पूरी बंद होगी। बिल्कुल। अगर हम 3-व्हीलर के वे से देखें तो वो साइड से ओपन आता है, ये आपका कर बंद आता है पूरा तरीके से गेट वेट के, तो कस्टमर इसको ओपन करके अपना आराम से अंदर बैठ सकता है। ठीक है। मतलब थोड़ी हवा वगैरह लेनी है एयरी फील करने के लिए पीछे देर। जी जी। और इसमें मेन बात की जाए सर CNG की,
तो इसमें 6 kg का सिलेंडर आता है CNG का, 6 kg का जी, जिसके अंदर आपकी 4.5 से 5 kg गैस आराम से आती है। ठीक है। और सेकेंडरी ऑप्शन इसमें पेट्रोल का दिया गया जिसका 2.5 लीटर का टैंक है। ठीक है, 2.5 लीटर का। सर अगर आप माइलेज की बात करें अप्रोक्स? सर इसकी CNG में माइलेज रहती है 45 की। 45 की जी। और डीजल वर्जन आता है उसकी अप्रोक्स? सर डीजल वर्जन की रहती है सर 35। ठीक है, 35 की ये अप्रोक्स है। बाकी मेन बताऊं क्या, ड्राइवर के ऊपर निकालने पे बात है कैसे चला रहा है। चीज होती है मेंटेनेंस के ऊपर। कस्टमर वाइज भी व्हीकल पूरा डिपेंड करता है। ठीक है, कस्टमर जितनी केयर रखता है व्हीकल की उसी हिसाब से व्हीकल कस्टमर को रिस्पांस देता है। बिल्कुल टाइमली आप सर्विस कराओ, बिल्कुल मतलब रफ ना चलाओ, ये सब आप पे डिपेंड है कितनी एवरेज निकालनी है। ये भी तो सर मशीन ही है, जितनी हम अपनी केयर करते हैं उतनी ही हमें इसके भी करनी चाहिए। जितनी हम इसकी केयर करेंगे उतना व्हीकल हमें बढ़िया रिस्पॉन्स देगा। ठीक है जी। तो गाइज आपको ऑटो वगैरह के बारे में सब कुछ बता दिया सर। लास्ट में आप आते हैं प्राइस की जो मेन है, जिसका सर एक्स शोरूम क्या है? इसका एक्स शोरूम रहता है सर 268,838 रुपए का। ठीक है। ऑन रोड सर आइडिया? अगर ऑन रोड की बात करें तो सर 290,000 रुपए में ये आपको ऑन रोड पड़ती है। 290,000 में आपको CNG ऑटो ऑन रोड पड़ रही है भाई, ये बहुत बड़ी बात है, मतलब इतनी कम रेंज में CNG में मिल रही है। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। अगर हमारा कस्टमर कहता है लोन मिले, मिल जाएगा सर लोन? बिल्कुल सर। इसकी सर डाउन पेमेंट हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, कम से कम डाउन पेमेंट बताओ, क्यों? क्योंकि जो ये इनका बायर है बिल्कुल वो सर, यही बिल्कुल चाहेगा मेरे पैसे एक बार जेब से कम लगे जी। तो एक बार सर डाउन पेमेंट बताओ। सर इसी चीज को देखते हुए एज ए डीलरशिप हमने एक ऑफर रखा है कि कोई भी कस्टमर आता है तो इस टाइम हम उस कस्टमर को 25,000 की डाउन पेमेंट पर व्हीकल दे रहे हैं। सिर्फ 25,000? बिल्कुल सर 25,000 रुपये। अगर मैं और किसी ऑटो या किसी और डीलरशिप की बात करूं तो भाई मेरे हिसाब से कम 50,000 से 60,000 डाउन पेमेंट सर चल रही है जी। ठीक है, तो इधर आओ 25,000 डाउन पेमेंट लेके जाओ जी। और आपके सिविल पे डिपेंड है क्या कुछ रहेगा जी सर। ठीक है, तो सर थैंक यू बहुत बहुत। तो गाइज वीडियो बताओ कैसी लगी, वीडियो को लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।